पेपर फाड़ दिया गया आप लोगों को? फाड़ दिया गया हमसे, हाथ से छीन के पेपर फाड़ दिया गया। हाँ बोले नहीं करेंगे करके, तुम जाओ मैम से बात करो। तो इसको समझोगे तभी डॉक्टर बनोगे, लेडीज को नहीं समझोगे तो नहीं डॉक्टर बन पाओगे। मैडम चाहते तो स्वास्थ्य मंत्री जी आप ये खबर जरूर देखिएगा। मैं फेंक दी हूँ उसको, अभी कोई काम का ही नहीं। फेंक दिए, इनके आंसुओं की कोई परवाह नहीं है। ये दरवाजा मत बंद करिए, दरवाजा बंद कर दिया गया यहाँ पर। सामान्य ओपीडी में हमें शिक्षा दी जा रही है कि आप यहाँ घुस नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ क्या इनके एसी के हवा खाने के लिए इनके लिए बनाया गया है सामान्य ओपीडी? आप लोग पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए बैठे हैं मैम, पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए तनख्वाह ले रहे हैं? एक छोटा सा सवाल है मैम, ऐसे सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। सीएमओ साहब, कलेक्टर साहब, आप भी देखिएगा, ये गर्भवती महिला बैठी हुई है, अभी इनकी जान चली जाए या कुछ हो जाए इनके साथ में, कोई हादसा हो जाए तो ये बेचारी कहाँ जाएगी? आप बताइए, ये बिहेवियर अच्छा है? ये बिहेवियर अच्छा है? गाय के लिए भागी, क्यों डर के भागी? नहीं भागना चाहिए था, क्यों भागी? क्यों पेपर फाड़ी, क्यों भागी यहाँ से? यहाँ पूरी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, ये बेड खाली पड़ा हुआ है, किसी का बैग रखा हुआ है, और यहाँ पर न डॉक्टर है, न नर्स है, न कोई भी इस जगह को मैनेज करने वाला है। कि इस तरह से कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र साहब देवांगन जी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, लेकिन ये क्या है जनाब, ये क्या है? देखिए, सरकारें कहती हैं कि जो जिला अस्पताल हैं या सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मरीजों के लिए बनी हैं, मरीजों की सुख सुविधाओं के लिए बनी हैं, लेकिन मरीजों के साथ अमानवीय रवैये की एक खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, जहां पर एक गर्भवती महिला को उसे वहां से बेड से डिस्चार्ज कर दिया गया, उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई थी लेकिन उस ड्रिप को निकाल दिया गया और उसे यहाँ से रवाना कर दिया गया। ये महिला यहाँ बैठ कर रो रही है और उनके परिजन जो हैं काफ़ी कुछ नाराज़ हैं और गर्भवती हैं, और साफ तौर पर आप बताएं क्या हुआ था? बाटक चढ़ा हुआ था सर, है ना, हमने बोले बाटक चढ़ा दो उल्टी बंद हो जाएगा, और उल्टी थम जाता है बाटक चढ़ाने से, कोई गोली और उसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, पेट में है बच्चा, अगर कुछ होगा तो हम लोग फंस जाएंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। मैडम इसमें इंजेक्शन मत दीजिए, सिर्फ बाटक चढ़ा दीजिए, बाटक से आराम हो जाएगा, फिर हम लोग चले जाएंगे। इंजेक्शन लिखा गया था? इंजेक्शन लिखा गया था, इंजेक्शन हमने मैडम के पास बाकायदा जाकर डॉक्टर के पास बोले कि मैडम इंजेक्शन मत दीजिए, इसको एक बार भी इंजेक्शन लगा है, लड़की एकदम घिनघिना गई है इंजेक्शन से, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, नहीं ऐसा करूँगी, नहीं लगवाऊंगी करके। हमने बोले मैडम इंजेक्शन मत दो, बाटक चढ़ा दो, एक दो बाटक चढ़ाओगे उसका शरीर जो सुस्त पड़ा वो अच्छा हो जाएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी। मैंने गर्भ से है ये। अभी तीसरा महीना पूरा होने जा रहा सर, 18 साल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में तुरंत मैडम अपना कागज वगज फाड़ी फूड़ी सब कर दी, फाड़ फूड़ के रिफायर कर दी, हमने दुरुग भेज देते ऐसा करना वैसा करना, तुम मेरे से डॉक्टर बन गए हो क्या, मेरे से ज़्यादा जानते हो क्या, मेरे से ज़्यादा पढ़ाई की हो क्या, करके इतना मेरे साथ में बर्ताव हुआ डॉक्टर के साथ। आप बताएंगे दीदी क्या हुआ था आपके साथ में? आप जब आपको ड्रिप निकाल दिए तो क्या क्या कह रहे थे डॉक्टर, या जो भी आपके साथ में मिसबिहेव कर रहे थे, बुरा बर्ताव कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? बस आए मेरा मैम नर्स थी एक, तो निकाल कर बस चली गई, बोली जाओ करके तुम इतना देर से ये कर रहे हो वो कर रहे हो करके बोल बोल के ना मम्मी से बात करने लगे, फिर मैं अपना आ गई बाहर। इलाज नहीं करेंगे कह दिए? हाँ बोले नहीं करेंगे करके, तुम जाओ मैम से बात करो तब हमारे पास आना करके। क्यों ऐसा हुआ, आप इनके क्या लगते हैं? मैं इसका हस्बैंड हूँ। हाँ, क्या कब लेकर आए थे इन्हें यहाँ पर और क्या हुआ था? लाने के बाद से पूरी स्थिति बताएं क्या हुआ था। मैं लेके आया, मैडम लोग बोले पहले वो टेस्ट करवाओ, है ना, टेस्ट वेस्ट करवाया, फिर बोलते हैं एडमिट करना पड़ेगा, तो एडमिट किए तो सुई हुई लिखे, मतलब पहले एडमिट करते हैं जो सुई है फिर देखेंगे क्या करना है कैसे करना है, फिर मिटानिन से बात किए तो बोलती है ऐसे में सुई नहीं लगवाते हैं, खाली पानी चढ़वा लो, तो माला ठीक है पानी चढ़वा ले, तो पानी वानी चढ़ रहा था, मैडम को मम्मी गई है बोलने के लिए वो सुई को मना कर दो, तो ना उत्ते में क्या किया मैडम पता नहीं क्या की, फिर फाड़ के फेंक दी। हाँ पेपर फाड़ दिया गया आप लोगों को? फाड़ दिया गया हमसे, हाथ से छीन के पेपर फाड़ दिया गया। इन्होंने फाड़ा, नाम मालूम है? मैडम बैठी है, आइए बात करते हैं, आइए। ये इस तरह से एक अमानवीय रवैये की शिकायत, और वो भी एक गर्भवती महिला के साथ, आप लोग आ जाए बात करते हैं, आइए। तो ये जिला अस्पताल सुपेला है और इस जगह पे इस तरह से एक व्यवहार किया जाता है, जहाँ पर कोई पेशेंट अगर अपना इलाज कराने आता है और ख़ासतौर पर गर्भवती महिला है, वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। कहाँ पर हुआ था मैम बताएंगे थोड़ा, कहाँ पर हुआ था, किन्होंने किया था आपके साथ में? आइए आइए आइए, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो भी जवाबदार हैं जिन्होंने इस तरह से किया है उनसे सवाल करेंगे कि आखिरकार ये रवैया इस तरह से किसी पेशेंट के साथ आप कैसे कर सकते हैं। कहाँ पर फाड़ा गया पेपर आपका, किन्होंने फाड़ा, जरा बताएंगे उनका, हम कोशिश करेंगे उनसे सारे सवालात करेंगे कि इस तरह से कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है और इस तरह से यहाँ आकर अपना इलाज कराना चाहती है
और परिजनों को भटकना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी वो प्रेग्नेंट लेडी भी पीछे पीछे चल रही है हमारे, और ये चैम्बर बताया जा रहा है सामान्य ओपीडी का चैम्बर है। किन्होंने आपसे इस तरह से बात किया था? मैं एक गरीब, हम लोग गरीब है, हम लोग सरकारी हॉस्पिटल का फायदा उठाने के लिए आए हैं। बताइए मैम, प्रेग्नेंट लेडी को आप लोग निकाल देते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को आप लोग इस तरह से निकाल देते हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रेग्नेंट लेडी को जी मेरे को बात करने दीजिए, आप इसे पूछने आए मैम। एक मिनट, मैंने इनको बोला कि इंजेक्शन लगना ज़रूरी है, उनको वो मेरे को बोल रही है कि हमें इंजेक्शन नहीं लगाना है। अब हमें बताएं, बात के लिए आप क्या उनके वो जो डॉक्यूमेंट्स है फाड़ देंगे? तीन बार में डॉक्यूमेंट्स फाड़ देंगे आप? मैं फेंक दी हूँ उसको, अभी कोई काम का ही नहीं। फेंक दिया आपने? ऐसे कैसे फेंक सकते हैं मैम? मैडम से बात की, आप एक महिला है, आपको तो कम से कम मानवीयता रहना चाहिए मैम। आप ठीक से बात करें, मैं बिल्कुल आपसे विनम्रता से पूछ रहा हूँ मैम। आप एक लेडी हैं, ऐसे नहीं घुस सकते मैम। ये सामान्य मैम, आप घुस सकते हैं मैम, पब्लिक के लिए बना हुआ है ये पब्लिक के लिए बना हुआ है, ये पब्लिक के लिए बना हुआ है। इसको समझोगे तभी डॉक्टर बनोगे, लेडीज को नहीं समझोगे तो नहीं डॉक्टर बन पाओगे मैडम। आप के लिए बना है मैम, ये आपका व्यक्तिगत निजी कमरा नहीं है, ये निजी कमरा नहीं है, पब्लिक के लिए बना है। और आप लोग पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए बैठे हैं मैम, पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए तनख्वाह ले रहे हैं। जाके मैम आपने दुर्व्यवहार किया, आपसे बात कर रहे हैं, आप बोल रही हैं कि आप घुस नहीं सकते, आप घुस नहीं सकते, क्यों नहीं मैम? आपसे सवाल नहीं कर सकते, आंसरेबल नहीं है। आपने फाड़ा है, क्यों फाड़ा है ये पूछा? मैं सर से बात करूंगी। मैम इस तरह से बिहेव करेंगे, आप एक लेडी हैं, बताइए इनके सवाल का जवाब दीजिए। बाटल तो लगने देना था, वो बाटल निकाल के किसको चढ़ाएंगे? वो बाटल किसके लिए रखेंगे वो बाटल, मेरे को बताइए। आप भी लेडीज है, मैं भी लेडीज हूँ, आप भी किसी के हो गए बेटी। मैम आंसरेबल नहीं है, इलाज नहीं कराना चाह रही थी अच्छे से, मैं जैसे बोल रही थी। एक चीज़ है, मैं एकदम विनम्रता से मैम आपसे एक छोटा सा सवाल है मैम। ऐसा सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जा सकते आप, ऐसा डॉक्टर कहलाता है? ऐसे सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जा सकते मैम। आप लोग कोई जवाब देंगे क्या? आप लोग कोई जवाब देंगे? आप सीनियर हैं यहाँ पर मैम, आप बताइए ये बिहेवियर अच्छा है? जवाब नहीं देंगे, ये बिहेवियर अच्छा है? जवाब देंगे। आप सीनियर हैं मैम? नहीं। चलिए इस तरह से कोई सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो स्वास्थ्य मंत्री जी आप ये खबर जरूर देखिएगा, इस तरह से बिहेवियर किया जाता है यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं ये तड़प रही हैं, ये गर्भवती महिला बैठी हुई है, अभी इनकी जान चली जाए या कुछ हो जाए इनके साथ में, कोई हादसा हो जाए तो ये बेचारी कहाँ जाएगी। अब इस तरह से जो जवाबदार हैं वो इस तरह से रवैया भी करते हैं और उसके साथ में सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं एक सवाल का जवाब यही देती हूँ, बाटल निकाल के क्या करेंगे? क्या चाहती है मैम आप, कार्रवाई चाहती हैं इनके ऊपर? हाँ मैं बिल्कुल चाहती हूँ। आंखों से आंसू निकल आए हैं लेकिन इनमें मानवीयता मर सी गई है, देखिए इनके आंसुओं की कोई परवाह नहीं है। ये दरवाज़ा मत बंद करिए, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता। सीएमओ साहब, कलेक्टर साहब, आप भी देखिएगा इस तरह से रवैया एक किया जा रहा है पेशेंटों के साथ में। ये रो रही हैं खड़े होके, इनके रोने का और इस गर्भवती महिला का किसी के दिल में कोई मलाल नहीं है कि इस तरह से व्यवहार किया जाता है। ये सड़क पर चलती हुई जा रही थी और अचानक से हमें खबर आती है कि इस तरह से व्यवहार किया जाता है इनके साथ में। और जवाबदार काय के लिए भागी, क्यों डर के भागी? नहीं भागना चाहिए था, क्यों भागी? क्यों पेपर फाड़ी, क्यों भागी यहाँ से? उसको तो पकड़ के यहीं पे लाओ उसको। ये भी गेट बंद हो गया है तुरंत, ये जो यहाँ पर गेट लगा हुआ क्यों बंद कर दिए? वो भी तुरंत भाग गई हो आधे रास्ते में। आप स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारी चैनल को स्वास्थ्य मंत्री जी जरूर देखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी को हम ये वीडियो टैग भी करेंगे। आप स्वास्थ्य मंत्री जी से कहिए कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई चाहिए। मुझे पूरा कार्रवाई चाहिए, यहाँ पर अच्छे से इलाज होना चाहिए। हाँ ड्यूटी भी यहाँ से हटा देना चाहिए इन लोग का, जो ऐसा बर्ताव करते दूसरे के साथ। हाँ आधे बोतल में हटा देंगे क्या? कोई पेशेंट को एक बोतल तो चढ़ने देते, वैसे पूरा हटा दे रहे हैं आधे में। आइए कुछ देखते हैं, कोई सीनियर मिल जाएं जो बात कर पाएं। मैम आप सीनियर हैं यहाँ पर, कौन है सीनियर? कौन है? मितानी ने। और ये जो सलूक आप देख पा रहे हैं मैम, इस तरह से करना चाहिए क्या किसी गर्भवती महिला के साथ में? मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी। नहीं आप मानवीयता के नाते ऐसे आप मितानी ने आप बता सकती हैं कि गर्भवती महिला इलाज के लिए आती है यहाँ पर और उसके हाथ से ड्रिप को निकाल दिया जाता है और उसके पेपरों को फाड़ दिया जाता है और उसको बोलता है कि आप यहाँ से दफा हो जाइए। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से कम हमारी बातों को समझा, मानवीयता को समझा, लेकिन यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। ये परिवार अभी चीख चीख कर
यहाँ पर अपने दर्द को बयां कर रहा है, लेकिन सुनने वाले देख लीजिए, यह सामान्य ओपीडी लिखा है। सामान्य ओपीडी में हमें शिक्षा दी जा रही है कि आप यहाँ घुस नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ क्या इनके एसी के हवा खाने के लिए इनके लिए बनाया गया है सामान्य ओपीडी? यहाँ क्या ये इन्हें बंद करने के लिए इजाजत है? ओपीडी में कोई भी आ सकता है, डॉक्टर और नर्सों से मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो हमसे भी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। गलत है करके दरवाजा बंद कर दिया, सही रहता तो दरवाजा खुला रहता। लीजिए एक और उदाहरण, ये कहेंगे कि हमने एक 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 ही उदाहरण प्रस्तुत किया, ये एक और मरीज है, बताइए क्या हुआ आपको? मेरा पाँव में माइनर क्रैक आया है, तो उसके लिए मैंने मतलब अभी ओपीडी से जस्ट पर्ची कटाई, तो 3 नंबर में उन्होंने जाने बोला। 3 नंबर में गया तो वहाँ कोई नहीं था, तो मैम से पूछा तो 6 नंबर जाने बोले। 6 नंबर में आप देख सकते हैं कि गेट को, डोर को लॉक कर दिए, वो तो ये डोर को लॉक कर दिए हैं। 6 नंबर ये सामान्य ओपीडी है। सरकार प्रशासन और कलेक्टर साहब और यहाँ के जो CMO साहब है, जांच करें और ये देखें कि आपने क्या इस कमरे को इनके AC के हवा खाने के लिए बनाया हुआ है। ये दरवाज़ा बंद है, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया ताकि सवालों के जवाब न दे पाएं। और ये महिला देख लीजिए, ये गर्भवती महिला है, 3 महीने से गर्भ है, और इन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया, इनके पेपरों को फाड़ दिया गया, और ये इस तरह से परिवार तड़प रहा है। आगे इस विषय में हम ज़रूर बात करेंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और यहाँ के जो CMO हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस तरह का रवैया और इस तरह का व्यवहार और इस तरह के लोग यहाँ पर आपने क्यों रखे हुए हैं। जिला अस्पताल सुपेला के जवाबदार इस घटना के बाद से पूरी तरह से नदारद हो चुके हैं, और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आपातकालीन कक्ष है। आप सोचिए कि आपात स्थिति में अगर कोई मरीज का एक्सीडेंट होता है या किसी व्यक्ति को घायल अवस्था में यहाँ लाया जाता है, ये आपातकालीन कक्ष बनाया गया। कक्ष के अंदर के हालात भी दिखा दें, यहाँ पूरी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, ये बेड खाली पड़ा हुआ है, किसी का बैग रखा हुआ है, और यहाँ पर न डॉक्टर है, न नर्स है, न कोई भी इस जगह को मैनेज करने वाला है, और न कोई हमारे सवालों का जवाब देने वाला है। अभी इस घटना के बाद से सभी लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर मीडिया आई हुई है, हमसे 10 तरह के सवाल किए जाएंगे, तो सारे लोग न जाने अपनी अपनी ड्यूटी, अपने अपने चेयर, अपने अपने चैम्बर छोड़कर नदारद हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया हुआ है, ताकि किसी को अगर पुलिस की मदद चाहिए तो वो यहाँ पर आए और पुलिस की मदद ले सके। आइए अंदर के नज़ारा दिखाते हैं, ये पुलिस सहायता केंद्र है। पुलिस सहायता केंद्र में आप बैठे हैं सर, खाना खा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं 108 वाला हूँ। अच्छा, 108 वाले हैं आप, स्वास्थ्य सेवा वाले हैं। यहाँ के जो पुलिस सहायता केंद्र वाले वो कहाँ हैं? वो पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं जस्ट खाना खाने आया हूँ। कितने दिन से नहीं बैठे हैं यहाँ पर पुलिस वाले? नाइट में आते हैं सर। नाइट में आते हैं, दिन में किसी की ड्यूटी नहीं लगाया किसी ने? दिन में तो ये प्रभारी बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा, प्रभारी बताएंगे। ये पुलिस सहायता केंद्र है और ये खाना खाने की जगह बना दी गई है। ये 108 सरकारी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं, मतलब इमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं और यहाँ बैठ कर खाना खा रहे हैं। खाना खाना इनकी मजबूरी है और गलती नहीं है, लेकिन ये पुलिस सहायता केंद्र है, इस तरह से ये खाना खाने की जगह बना दी गई है। तो ये अस्पताल का आलम है, मेडिकल सेवा है, दवाई दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जवाबदार हमें इस वक्त, इतनी देर से हम घूम रहे हैं, कोई बात करने वाला हमें मिल जाए, कोई सीनियर मिल जाए जिनसे हम बात कर सकें। ये प्रसूति वार्ड है, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन स्थितियाँ अमूमन चारों तरफ ऐसी हैं, कोई भी जवाबदार हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना सामने आने को तैयार है। आपातकालीन कक्ष में आप देख लीजिए कि कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई स्टाफ वहाँ मौजूद है। अभी सोचिए कि कोई सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे, तो वो व्यक्ति आखिर कहाँ जाएगा, किससे मदद मांगेगा? और आपने ये देखा कि गर्भवती महिला के साथ में किस तरह का सलूक किया जाता है, तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी जरा इस विषय में ध्यान दीजिए, और कलेक्टर साहब, इस ज़िले के कलेक्टर साहब हैं, जो CMO साहब हैं, इन जगहों पर कम से कम एक बार दौरा करिए, मुआयना करिए और पड़ताल करिए कि लाखों करोड़ों रुपये आप यहाँ खर्च करते हैं, लेकिन मरीज़ों को आखिरकार मिलता क्या है? मरीज़ों को आखिरकार यही सिला मिलता है, यही बदसलूक रवैया मिलता है, और इस तरह से उन्हें यहाँ इस अस्पताल के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और साफ तौर पर पेपर फाड़ना या पेपर फेंकना किसी मरीज का किसी हद से जायज़ है क्या? किसी मरीज के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार करना, ये जायज़ है क्या? इन विषयों पर जाँच होनी चाहिए, इन विषयों पर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, इसका मतलब शायद आप समझ चुके होंगे कि एक माता के लिए सुरक्षित आश्वासन ये दे रहा है, ये बिल्डिंग दे रही है, और बिल्डिंग में रहने वाले लोग नहीं दे रहे हैं, और अस्पताल के अंदर का उस तरफ से पूरा मुआयना करके आए हैं, वहाँ कोई जवाबदार नहीं है। आइए अंदर देखते हैं, यहाँ बताते हैं कि यहाँ के प्रभारी यहाँ बैठते हैं। तो ये चैम्बर है, प्रसूति वार्ड, टीकाकरण, ये सिर्फ बैनर पोस्टरों में लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा इन्होंने बना रखा है। ये कार्यालय है, प्रभारी चिकित्सक अधिकारी, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इनका नाम है डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र साहब देवांगन जी, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं। लेकिन ये क्या है जनाब, ये क्या है, आपकी ड्यूटी कहाँ चल रही है, आप यहाँ बैठे क्यों नहीं हैं? अभी इस वक्त हम खटखटा रहे हैं इस जगह पे कि कोई आ जाए,
और हमारे सवालों का जवाब देते। ये ताला बजा रहे हैं हम यहाँ पर, ये ताला इस तरह से इनके दिमाग पर भी चढ़ चुका है। और ये बड़े बड़े अधिकारियों के पोस्टर लगाए गए हैं यहाँ, स्वास्थ्य अधिकारियों के पोस्टर लगाए गए हैं, और ये कार्यालय है। मैम कहाँ गए हैं यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं वो कहाँ हैं? जी मैम ट्रेनिंग में गए हैं, उसके अब्सेंस में कौन बात कर पाएंगे हमसे? वो मैं नहीं बता सकती कौन करेगा। उनके अब्सेंस में कौन बात कर पाएंगे मैम? यहाँ अस्पताल की व्यवस्था के बारे में बात करना है, तो आप बात करेंगी क्या मैम? नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगी सर। जैसे ये नहीं है साहब तो किससे बात करें बताइए? ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे आज से आप? ऑन ड्यूटी डॉक्टर सब भाग गए मैडम, प्रसूति वाली लेडीज को बाहर निकाल दिया गया, उसका ड्रिप निकाल के उसकी पर्चियां फाड़ करके उसको धूप में बाहर भगा दिया गया है। तो आप कोई बात करने को तैयार नहीं है, बोलते हैं प्रभारी से बात कर लीजिए। प्रभारी जी तो यहाँ ताला लगा के घूमने निकले हैं, ड्यूटी है कहीं और पे। प्रभारी सर जैसे मैम, प्रभारी सर जैसे नहीं रहते हैं, उनके अब्सेंस में किसी को तो जवाबदारी मिलती होगी। किसको बोलूं? पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जिस तरह से सरकारी तंत्र चल रहे हैं, और कोशिश करेंगे हम सारे चैम्बरों की। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि मानवीयता मर सी गई है। ये छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे अधिकारी हैं, अब इनसे क्या बात करें? जब बड़े अधिकारी और जो जवाबदार, ये नाम रखा गया है हमारे देश के आदर्श हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके नाम पर ये अस्पताल संचालित किया जा रहा है, लेकिन नाम का, इस नाम का भी अपमान एक तरह से यहाँ का व्यवहार जो है वो कर रहा है। यहाँ का जो स्टाफ है इन नामों की एक तरह से अपमानित उन्हें कर रहा है, और एक गर्भवती महिला को जो 3 महीने से गर्भ में है उन्हें निकाल दिया जा रहा है। एक पेशेंट से हमने और बात करी, और जो जवाबदार हैं पूरे नदारद हो चुके हैं, इस अस्पताल का प्रमाइसस खाली हो चुका है। छोटे जवाबदार हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। आगे इस खबर में कुछ और अपडेट आती हैं तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन हम फिर से निवेदन कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, कलेक्टर साहब, इस ज़िले के जो ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो इन विषयों को ध्यान दें, और ऐसे लोगों को कम से कम ड्यूटी से बर्खास्त करें। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।